अच्छा, अभी आपको, अभी ओके, तुमको टेंशन नहीं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, आपको जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने कहा था कोई एंजिलम कस के बारे में आप कह रहे थे। मैंने पूछा कि कितने बाइबल में कितनी गॉस्पल्स है, मुझे ये बता दो आप। 66 जिसको हम मानते हैं, कौन कौन सी मेरे भाई, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना रसूलों के माल रोमियो फर्स्ट क्रंथियों दूसरा क्रंथियों पहला ग्लाशियन ग्लाशियन रेवलेशन पहला पीटर दूसरा पीटर पहला पत्रस। हाँ क्या क्या आप चाहिए? 72 की 72 नाम ले दूंगा मैं। पैदाइश रोज ए बार गिनती सचना यशवा कुजात रूथ ए बार। आपको कहती हो तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं बोर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। गॉस्पल ऑफ मैरी कब आई थी मुझे ये बता दो। हाँ जी, आई कहाँ से थी? सारी की सारी बोली दो, इसको भी अक्ल का दरवाजा खुल जाए थोड़ा बहुत। इंग्लिश में बोलना मेरे भाई। आई कहाँ से थी? आई कहाँ से थी? कहीं से भी नहीं आई थी, लिखा था, लिखी गई थी। अच्छा नहीं, मैं गॉस्पल ऑफ मैरी की बात करूँ। गॉस्पल ऑफ मैरी को पता है? गॉस्पल ऑफ मैरी पढ़ी आपने? बात बहुत है, गॉस्पल ऑफ तेरी थोड़ी सुना रहा है भाई। गॉस्पल ऑफ मैरी है ही नहीं, हम उसको मानते नहीं। वो अपोक्रिफल थी जो ऐसे लिखी गई थी, किसने लिखी थी, लेकिन हमने उसको अपनी कैनन में नहीं है हमारे, हम उसको शामिल नहीं किया। वो जो भी है हम उसको चूंकि समझते हैं। हाँ जी, आप गॉस्पल ऑफ मैरी को नहीं मानते हो? गॉस्पल ऑफ मैरी उस कैनन में है ही नहीं है ना, जो कैनन हमारे पास है। उसमें नहीं है मेरी जान, हम तो उसको मानते हैं जो कैनन है। लेकिन मैं पूछूं, आप गॉस्पल ऑफ मैरी को नहीं मानते हैं? जो 66 में है मैं उसको मानूंगा ना, जो हमारे कैनन में है। उस पे तो ऐसे तो गॉस्पल ऑफ थॉमस भी है, तो आप ऐसे तो गॉस्पल ऑफ थॉमस भी है, ये है वो है, बहुत है, लेकिन हम हमारे जो कैनन में है 66 है, हम उसको मानते हैं। तो मेरे भाई आपको, आपके ख्याल से जो क्रिश्चियनिटी है, क्या ये अब्राहमिक रिलीजन है कि नहीं है? ये है अच्छा, बिल्कुल। तो आपके मुझे नहीं पता आप क्या बिलीव करते हो, जो आपका बिलीफ है उसके मुताबिक क्या कोई अब्राहमिक प्रॉफिट कैन ही मेक मिस्टेक्स और ही कांट मेक अ मिस्टेक? बिल्कुल मिस्टेक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं, 100%। दाऊद नबी से हुई थी मिस्टेक। दाऊद नबी ने बथशबा से अपने सिपाही की बीवी जो है उससे इलीगल सेक्स किया था, उससे बच्चा हुआ था। हाँ, वो बथशबा का हस्बैंड था, उस नाम मुझे बथशबा का कौन सा हस्बैंड था, बथशबा उसको उसने मारा था, फिर उसने उसके बाद उसको बेटा दिया था। ओरिया की बेटी थी, हाँ, ओरिया की बीवी थी। He is known as Prophet David. आप दाऊद को डेविड बोलते हैं, Prophet David. बिल्कुल बिल्कुल दाऊद। या तो मैं यही कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में लोगों को अब्राहमिक रिलीजन का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता। ठीक है, वो मसला ही नहीं, इन्होंने खराब किया ना, मुसलमानों ने, वो मुसलमानों ने खराब किया है ना, मसला तो ये मुसलमानों ने खराब किया, उन्होंने अपनी बनाम ना आगे ना। मेरे जान, मुसलमानों ने खिलाफ नहीं किया, आप मुझे बताओ गल्फ में क्यों नहीं प्रोटेस्ट होता, क्यों नहीं प्रोटेस्ट होता गल्फ कंट्रीज में? क्योंकि उन चीज को पता है, जो छोटी छोटी चीजें, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? सऊदी अरब में क्यों नहीं प्रोटेस्ट होता? यूएई में क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? अभी फ्रांस में जो हुआ था, वो गल्फ कंट्री वालों ने तो हदीस को भी रद्द कर दिया ना, वो गल्फ कंट्री वालों ने तो हदीस को भी निकाल दिया। किसको निकाल दिया? गल्फ कंट्री सऊदी वालों ने तो हदीस को नहीं मानते वो लोग। हदीसों को मानते हैं, लेकिन बहुत सारी हदीसें जो है ना उनको उन्होंने जो है ना वो निकाल दिया, बैन कर दिया। हदीसों की वो सब सारी हदीसों को ही निकाल दिया। जो हदीसों की ऑथेंटिकेशन है वो उनकी सही नहीं है, हदीसों की ऑथेंटिकेशन कोई भी मेरी जान, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ये 250 साल पहले बुखारी ने 250 साल पहले बाद 250 साल बाद ये इकट्ठी की है। जब उसने इकट्ठी की थी तो हजारों यानी के पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से इकट्ठी की थी, तो उसमें से फिर उसने छांटी करके ये 6,000 जो हैं, जो जितनी भी हैं, इसने छांटी करके रखी हैं। आप अंदाजा करो कि उसने अपने दिमाग के मुताबिक 250 साल के बाद एक बंदा आया, उसने इकट्ठी की इतनी यानी कि 6 लाख लगा लो या कितने भी लगा लो, उसमें से उसने 6,000 रखी, और 6,000 जो रखी उसमें से भी अभी कह रहे हैं कि कुछ ज़ाइफ हैं, कुछ आसान हैं, कुछ सही हैं। तो आप अंदाजा नहीं करता, आप दिमाग काम नहीं करता कि फिर आप देखो ये जो जिनको सही कह रहे हैं वो भी गलत हो सकती हैं। तो
तो कुछ कोई भी ना सही उसकी उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि इस्लाम जो है वो गिर जाता है बिल्कुल, क्योंकि अगर हदीसें नहीं है तो इस्लाम है तो क्या बात सुनो। अच्छा आप ये मानते हो ना जो इस्लाम जो है वो हजरत इस्माइल के डिसेंडेंट है ना, हजरत इस्माइल के डिसेंडेंट को मुस्लिम कहा जाता है, दुनिया मानती है, पता है ये मुस्लिम क्लेम करते हैं, मुसलमान क्लेम करते हैं, सही है, क्लेम नहीं करते, रबी भी क्लेम करता है, क्रिश्चियंस भी क्लेम करते हैं कि मुस्लिम जो है दे आर डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल, और ज्यू जो है दे आर डिसेंडेंट ऑफ आइजक, ठीक है, जो उनके दूसरे बेटे थे, पहली बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको अभी रेफरेंस दूंगा, ये तोरा में लिखा गया हुआ है, जो एंजल थी मुझे अब एंजल का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये चीज तोरा में लिखी है, उन्होंने इस्माइल को ये चीज बोली थी, इस्माइल दुनिया के सभी लोग जो हैं वो तुम्हारे और तुम्हारे डिसेंडेंट के अगेंस्ट होंगे। मैं आपको एक बता देता हूं तोरा में क्या लिखा हुआ है। हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, पैदाइश 25 बाब में लिखा हुआ है, मुझे पता है। हाँ ये लिखा हुआ है कि दुनिया के सभी लोग तुम्हारे डिसेंडेंट के दुश्मन होंगे, ये चीज लिखी हुई है, तो जो सही मुसलमान है उनको ये चीज तो पूरा पढ़ो ना, फिर पूरा पढ़ो खान साहब, पूरा पढ़ो ना, ये भी लिखा है कि ये गोरखर की तरह होगा, ये भी तो लिखो, गधे की तरह, गोर गधे कहते हैं, गधे की तरह होगा। मैं आपको एक सबका हाथ, पूरा नहीं पढ़ रहे हो कि सबका हाथ इसकी तरह, इसका हाथ सबकी गर्दन की तरफ होगा, तो ये चल जारे जब जाके गोरखर गधे की तरह बिहेव करेगा तो सब तो इसके खिलाफ होंगे, इस तरह पढ़ो ना, फिर सही पढ़ो मेरे भाई। उसने ये उसमें ये लिखा है कि जो एंजल है वो हजरत इस्माइल को ये बोलता है कि दुनिया के सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे, ठीक है, और मैं जो हूँ तुम्हारी जो तादाद है वो ज्यू से ज्यादा होगी, उनके 12 बच्चे थे, योर डिसेंडेंट विल हैव 12 किंगडम्स, ये बोला था, और ज्यूस की तादाद कम होगी क्योंकि वो एक ही था आइजैक, ये भी उसने चीज बोली थी, और ये चीज मेंशन है, और उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे डिसेंडेंट्स को रिवॉर्ड करूंगा टाइम पे, अल्लाह उनको अपनी तरह से रिवॉर्ड करेगा, और जो तेल निकला है ना ये लेकिन ओके इस्माइल तो आइजक के बारे में बोली थी, लेकिन ये बोलो कि साथ ही ये भी तो करना, साथ ही आइजक के बारे में क्या कहा, साथ ही आइजक के बारे में क्या कहा, साथ ही मैंने आइजक का नहीं पढ़ा भाई, मैं तो मुसलमानों की हदीस पढ़ूंगा ना, मैं ज्यूज की हदीस थोड़ी पढ़ूंगा मेरे भाई। तो ये कहां से पढ़ो आप, पहले नंबर पे तो अगर आप पढ़े तो उसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए ना, आप एक कोई बात नहीं करो ना, दोनों की बात करो, उसमें दोनों के बारे में क्या लिखा था। उसने ये लिखा था भैया हमें तो पता है मुसलमानों को भैया पूरे लोग आपके अगेंस्ट होंगे, ये तोरा में ये चीज लिखी हुई है, कुरान से पहले भी ये चीज लिखी हुई है, तो हम मुसलमानों को ये चीज पता है जो असली मुसलमान है। अब जो नकली मुसलमान बने हैं मैं उनका गारंटी नहीं देता कि जो लोग नबी को जो खुदा मानते हैं मैं उनको नकली मुसलमान बोलता हूँ, मैं उनकी गारंटी नहीं देता, जो असली मुसलमान है उनको ये चीज पता है, ठीक है, और इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, ये चीज हमें पता है इस चीजों का। और ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड करता रहूंगा, अब जो तेल निकला है। अरे भाई अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो भाई मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, एक घंटे से बैठ के तुम हमारा दिमाग क्यों चाट रहे हो, नहीं फर्क पड़ता तो जाओ ना यहाँ पे आके क्यों बैठे हो, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। आए थे यहाँ पे इस्लाम को डिफेंड करने, चढ़ गए क्रिश्चियनिटी के ऊपर, आपने खुद ही माना कि आपका प्रॉफिट एक सही बंदा नहीं था, सारे प्रॉफिट इंसान है, तो आपके प्रॉफिट ने बहुत सारी क्राइम्स कमिट किए, बहुत सारे गंदे काम किए, पहले आप जाके ना उसको जो है ना डिफेंड करना बंद करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग, बिल्कुल जाहिल। आई स्वेयर इन लोगों के साथ तो बात कर करके मेरा दिमाग खराब हो जाएगा।